राधे राधे कृष्ण राशि के चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे काले जी के पास सब ठीक होंगे। और ये मेरे कन्नू जी की सेवा पूजा हो चुकी है, गणपति महाराज की आरती सेवा पूजा सब हो चुकी है। और ये मोदक इनको भोग लग चुका है, मोदक खा रहे हैं। देखो ये रे, जय श्री राधे। और आपको भी गणेश जी की आने खुशी में बहुत बहुत बधाई हो। और अगर आपको ये मेरे का गन्नू जी का प्यारा सा श्रृंगार और सेवा पूजा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कृष्णा देखिए स्वास्थ्य बनाते हैं। हाय कृष्णा, राधे राधे सभी फ्रेंड्स को और हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की सभी फ्रेंड्स को सभी मित्रों को दिल से बधाई हो। और गणपति पप्पा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या गणेश जी आपके सभी विघ्न दूर करें और हम सबकी इच्छाएं पूरी करें। और सेवा पूजा करिए, खूब गणपति जी से आनंद उठाइए उनका कि घर आए हैं गणपति जी। तो जय श्री राधे। और गणपति पप्पा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या। ओम पुंडरीकाक्षनाथो पुंडरीकाक्षनाथो। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरव नमः। श्रीगोचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओं स्वस्ति नेन्द्रो मृदुश्रवा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठ स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधा प्रकृतस्वामृतः कृष्णिमातर शुभम जापानो निदधे कुजग्मयोग्निज्वामनव शूरचकसु विश्व नो देवा अवसागमन्यः भद्रं वृणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पशेम विश्वत्तराग्निदुष्टवाग्निशतनु भ्रवसेमहि देवहितं ददायुः शतमन्नु सरदौ तन्ति देवादित्रानुचक्राधरसन्तनूनां महापुत्रासुः यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यादि लिखितादिवन्तोः आद्यतिदौ ऋतुकिदन्तर्क्षमदुत माता स पिता च पुत्र विश्वे देवा स्वह्यमाद्यन्तार्मो प्रतिष्ठोः। ॐ स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। तो बड़ी चीज है ना। बोलो गणपति महाराज की जय। गणपति बप्पा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या। सभी फ्रेंड्स को गणपति जी की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी गणेश चतुर्थी और सेवा पूजा हो चुकी है और हम सबकी तरफ से आपको गणपति बप्पा मौर्या जी। देखिए ये गणेश जी
कि मेरे पास क्वेश्चन आया था कि गणेश जी को कितने ईयर्स हो गए आपके पास, तो मेरे गणेश जी को मेरे पास 2 ईयर्स हो गए है ना गन्नू महाराज जी, तो गन्नू महाराज जी के मेरे साथ 2 ईयर्स हो गए, 2 साल यानी जोड़ा कर लिया है मैंने। बाकी इनकी इच्छा है अब आगे अगर ये मेरे सेवा पूजा से प्रसन्न होंगे या जो भी इनकी इच्छा होगी तो ज़रूर आएंगे। और दूसरी बात ये, और गणेश जी का जो विसर्जन है हम बाहर कहीं नहीं करते जाके, तो हम घर में ही हम एक साइज लिमिट का साइज लेते हैं गणेश जी का, जो कि हम घर में विसर्जन करते हैं मंत्रों से, जैसे घर में पतिदेव करवा देते हैं तो बाल्टी में टप में इस तरह से हम उस गणेश जी को बिठा के और मंत्रों से पुष्प वगैरह करके और सेव पूजा करके उनका विसर्जन करते हैं। और जो फिर जब गणेश जी पानी में बिल्कुल मिल जाते हैं ये, तो हम फिर वो सारा पानी पेड़ पौधों में डाल देते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, घर में गणेश जी का विसर्जन करें और पेड़ पौधों में उनको उनका जल डाल दीजिए, व तुलसी जी में मत डालना, बाकी आप किसी में भी डाल सकते हैं। जय श्री राधे।